अगले आधे घंटे में आप देखेंगे। अरे तुम कौन हो भैया? Very nice to meet you. कैसी हैं आप? हम हैं गुड्डू गोवर्धन प्रसाद उर्फ गुड्डू। आगे देखिए किसने लगाए पता दी के दिमाग पर ताले। भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो सुन सुन के मैं पक सी गई हूँ। और जानेंगे शैली आंटी के नुस्खे। मैंने एक बॉडी सूट तैयार किया है जिसमें 751 पॉकेट्स हैं। हाय हाय लेट करवा दिया, लेट करवा दिया, मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे लेट होने से। मैंने लेट करवाया? और किसे करवाया? तूने लेट करवाया? मैंने लेट करवाया। वहाँ भेल पूरी खाने कौन रुका था? और वो कम था कि वहाँ भी सूखा भेल खाने भी रुका। नाश्ता ना करो, तुम लेट आयो, सुने इधर है। लेकिन मेरा कॉफी मशीन बिगड़ गया। कॉफी मशीन बिगड़ने पे क्या होता है पता है क्या तेरे को? कॉफी मशीन सुबह की जब खाओ। कितनी बार खाए कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो फन टनाटन। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट आप सबको पता है कौन है, बिकॉज हमारे पहले आ गए थे वो कुणाल खेमू। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज योर अपकमिंग फिल्म कुड्डू की गन। जी करेक्ट। सो यूनिवर्स वॉन्ट्स टू नो वॉट इज दिस गुड्डू की गन। गुड्डू की गन इज दिस वेरी यूनिक फिल्म दैट केम माई वे। जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने एकदम से ना बोल दिया उन्हें। मैंने कहा यार ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल फिल्म होगी, ये क्यों बनाना चाहते हैं आप लोग? इस फिल्म के बारे में बात करते करते भी कभी मैं पर्सनली थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ, लेकिन जो गुड्डू है वो भी आया हुआ है, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो बेधड़क ये सारी बातें करता, मैं तो थोड़ा शाय फील करता हूँ। ओके किससे? गुड्डू है जो फिल्म का हीरो है ना, जो गुड्डू। ये कॉफी है आपके पास? Yes. मुझे भी कॉफी बहुत पसंद है। अच्छा आपको पसंद है? यहाँ पे कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा मैं गुड्डू को ही बुला लूँ? आप गुड्डू से बात कीजिए, वो आपको समझा देगा। मैं तो यही हूँ, मैं गुड्डू से आपको बुलाता हूँ, वो अच्छे से बता देगा। गुड्डू गोवर्धन प्रसाद उर्फ गुड्डू। आप क्या पूछ रहे थे ब्रह्मांड के बारे में? यूनिवर्स ने क्या पूछ लिया आपसे? नहीं, यूनिवर्स जानना चाहता था कि गुड्डू की गन क्या है। देखिए इतने शर्माने की क्या बात है, जब भगवान ने बनाते हुए नहीं शर्माए तो हम कहे शर्माए इस बात को लेकर। करेक्ट। अब जो गन है हमारी, अब उसको कोई सांप दे दिए वो सोने की हो गई। बाय गॉड ऐसा कभी किसी का साथ ना हो। हाँ। सोना सोना खरा सोना बोल बोल के सोने का हो गया। हम क्या बताएं? ये क्या पी रहा है आप? अब कॉफी। हम कुणाल जी नहीं पिएगा? कुणाल जी को कॉफी पसंद नहीं है। अरे बहुत पसंद है। ओके ओके आप और कुछ बताना चाहेंगे? आपकी जो पूछेंगे हम सब बताएंगे। देखिए हम वाशिंग पाउडर बेचते हैं, आपका हाथ देख के हम समझ गए हैं कि आप कपड़ा जो धोती हैं अच्छा से नहीं धोती। मैं कपड़े धोती मशीन धोती कपड़े प्लीज। आप मशीन वाले? एक सेकेंड तीखी है तीखी। मजा आ गया होगा तो। अब टाइम हो गया है तंगना जी के आने का। तंगना जी आके हमें फिल्म प्यार का पंचनामा 2 का रिव्यू देंगी। कौन आ रहे हैं? तंगना जी आप देखिए वहाँ पे आएंगे। हाय ये कौन है? गुड्डू। गुड्डू? अरे नहीं नहीं गुड्डू नहीं तंगना जी, गुड्डू। अरे गुड्डू तो बोल रही हूँ मैं। गुड्डू? हाँ राइट गुड्डू गुड्डू गुड्डू। बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू यू टू। तंगना जी आपका प्यार का पंचनामा 2 के बारे में क्या रिव्यूज है? प्यार का पंचनामा 2 के बारे में क्या बताऊं?
मेरी लाइफ में तो वो पिक्चर देखे ट्रेजेडी ही हो गई। मैं बताती हूँ इनको, ट्रेजेडी मतलब जैसे बहुत खुशी वाली चीज हो गई। तो हम कहाँ बोले लॉन्ड्री, हमको पता ट्रेजेडी का, हम का अनपढ़ समझिए का है? अरे नहीं नहीं मैं तो समझा रही हूँ आपको। फ्रेंड्स 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 हो गए। हाँ तुम्हारा हो गया। ओके ओके तंगना जी वहाँ पे है। एक्चुअली मैंने टिकट लिया और गलती से मैं दूसरे स्किन में घुस गई जहाँ पर एक डिश बन रही थी। क्या विविंग पुलाव? पुलाव मतलब शादियों में घुस के खाने लेते फ्री का? अच्छा लंगर लूटते हैं? लंगर बंगर कुछ नहीं है, फिल्म है वेडिंग पुलाव। आप प्लीज आगे बोलिए। फिर मैंने सोचा कि वेडिंग पुलाव क्या खाना, इससे अच्छा बाहर जाके कुछ पॉपकॉर्न खा लो। मैं पॉपकॉर्न लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि दूसरी स्क्रीन पर घुस जाओ। मैं दूसरी स्क्रीन पर घुसी तो वहाँ पर पैर का पसनामा तो चल रही थी जो कि आधी ऑलरेडी निकल चुकी थी। मैंने बैठने की कोशिश की फिर मुझे फिर से भूख लगी। मैं बाहर गई तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी पैटी खा लूं। जब पैटी खा के स्क्रीन पर गई तो फिर से कंफ्यूजन हो गया। मैं फिर से वेडिंग पुलाव की स्क्रीन में घुस गई। फिल्म देखी कौन सी? मैंने फाइनली देखी पैर का पंचनामा 2 द सेकंड हाफ। एंड में एक मोनोलॉग डायलॉग आता है जो कि फिल्म के पहले मोनोलॉग डायलॉग से भी ज्यादा लंबा था। उसमें सिर्फ हॉलीवुड मूवी का एग्जांपल दिया था, बाकी कुछ नहीं। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। ये क्या बोले उनको मोनो का है? अरे वो जो बहुत कम बोलता है उसको बोलते हैं। अरे छोड़िए आपको कुछ भी नहीं पता, जब आदमी लंबा डायलॉग बोलता है तो उसको मोनोलॉग कहते हैं। हम कुछ टेस्ट कर रहे थे आपको, अब हमें कहा है गलत बात? आपकी शक्ल इतनी अच्छी है, बातें अच्छी करती है, तो कहा बेवकूफ बना रही है, दिल तोड़ देती है हमारा। टंगना जी आप बताइए आगे। और क्या बताऊँ, फिल्म में एक्टिंग के बारे में बताऊँ तो तीनों लड़कियों की एक्टिंग तो मुझे कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो कोई करता ही नहीं है। और बाकी जो दो नए लड़के थे उसमें से दाढ़ी मूंछों वाले का काम मुझे ज्यादा अच्छा लगा। और लड़कियाँ इस फिल्म में इतनी डम दिखाई गई हैं। अरे आजकल की लड़कियाँ डम होती है क्या? What is this? गुड्डू तुम बताओ कौन लड़की को कुछ बोले? हम लड़कियों की इज्जत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे टंगना जी। हमें लड़कियाँ बहुत पसंद है, हर उम्र की, हर शेप की, हर साइज की। एवरी नाइस इज गुड नाइस विद मी। कम थोड़ा नहीं नहीं ठीक है समझ गए समझ गए। अच्छा बोले बहुत अच्छी है टंगना जी। आई लाइक इट यू नो गुड्डू तुम काफी अच्छा बोलते हो बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें ना मेरा क्रू ज्वाइन करना चाहिए। आप बुलाइए हम आएंगे, कपड़ा भी धोएंगे अच्छा से। तंगना जी आप इस फिल्म को कितने शॉट्स देंगी? देखो फिल्म तो मुझे ठीक ठाक लगी, लेकिन दिमाग घर पे छोड़ के जाओ और सिर्फ हंसने के लिए जाना है तो उसके लिए मैं दूंगी सिर्फ एक शॉट। हमको भी एक शॉट दे दीजिए, हमारे पास सब जींस पैंट है, हमको मुंबई में जू पार्टी चौपाटी जाएंगे तो शॉट्स नहीं हमारे पास। अरे वो वाला नहीं, वो कुछ इनका पीने पीने का होता है। आप कपड़ा पीती है? कुछ तो भी समझ गए हम। ओके तो अब मैं चलती हूँ। बाय द वे गुड्डू तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। हमारा बंबई आने का मकसद यही था कि हम आपसे मिले, वो सफल हो गया। अब हम चाहते हैं हमें बस ये थोड़ा कुछ पिला दें तो हम घर चले जाएं अपने। बट नाइस टू मीट यू। ओके सी यू। चले क्या हुआ? अरे चलो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद होपफुली कुणाल हमारे साथ वापस होंगे। कहे कहे हम सब का क्योंकि तुम जा रहे हो। कहे जाएंगे हम इतने कुणाल जी को भी तो आना ना फिर। कुणाल जी तो आ जाएंगे पर अभी टंगना जी गई। टंगना जी को रूम में गई है और कॉफी भी वहाँ पर पड़ी है तो तुम वहाँ जाओ। आपके लिए खाने का सामान पहुँच जाएगा। हमको अब थोड़ा सा बुरा लग चुका है आपकी बातों का। अब हम अपनी जनता को बस यही कहेंगे कि 30 अक्टूबर को गुड्डू की गन थिएटर में आ रही है, हम भी आ रहे हैं, आप भी आइएगा। भाई कुछ पिला दो यार। क्या चाहिए आपको? कैपुचिनो। लक्ष्मी टी स्टॉल वाले भैया किससे कप चीनो ले आओ उसमें कॉफी डाल के। वेलकम बैक जी इन आवर शो फन टनाटन। टन 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 20 20 20 टन 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 20 20 20 थैंक गॉड कुणाल यू आर बैक। सीरियसली मैन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उस गुड्डू को भेज दिया और आप वापस आ गए। थैंक यू। नाउ आई एम रिलैक्स्ड। मैंने आपको बहुत मिस किया। थैंक यू। तो अब वक्त हो गया है पता दे के रिव्यू का जो कि आज हमें बताएंगे फिल्म तमाशा के सॉन्ग मटर गश्ती के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। अरे कुणाल बेटा तुम यहाँ कैसे? अरे हमको पता चला आप यहाँ पर है तो मुझे तो आना ही था। चल झूठे, घर बुलाती हूँ तब तो आता नहीं है। सॉरी अब पक्का आऊंगा, अगली बार आप जब मुझे मैसेज करेंगे या फोन करेंगे मैं सीधा आपके पास आ जाऊंगा। अच्छा और बता सोहा बिटिया कैसी है और तुम्हारी सासू माँ कैसी है? हाँ सब ठीक है, बता दी आपको सब मिस करते हैं, आपके इतने बड़े फैन है हम सब और मैं इतना खुश हूँ आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। पता दी वो गाने के रिव्यू के बारे में तो बता दीजिए।
अरे गाना बजाना तो होता रहेगा, पहले कुणाल बेटे से बात तो कर लूं। हाँ बेटा, तो घर जरूर आना। हाँ, तेरे लिए जलेबी बनाऊंगी, समोसे बनाऊंगी। मुझे एक्चुअली कॉफी बहुत पसंद है और मैंने सुना यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफी, आपने कभी पी है? पता दी, सॉन्ग के बारे में प्लीज बोलिए ना। हाँ, मटर गश्ती भाई, वही ना, ए आर रहमान और मोहित चौहान जी। भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो सुन सुन के मैं पक सी गई हूँ। मतलब पहले दिल्ली छेक के गाने इन दोनों ने गाए और बनाए, उसके बाद रॉक स्टार। मतलब इस गाने में भी ना तो सुरों का ज्यादा अंतर है और ना ही तो आवाज का, बस मस्सक कली की जगह मटर गश्ती डाल दो, सेम ही लगता है। मोहित बेटा तो चलो अच्छा गाता ही है, लेकिन ए आर रहमान, उनको थोड़ा और इनोवेशन की ओर बढ़ना चाहिए। क्या रहमान सर ऐसे इनोवा बैठ के आगे बढ़ेंगे? अरे इनोवा नहीं, वो कह रही है कि इनोवेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। नो डोंट भाई, कुछ पिला दो यार। क्या 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 चाहिए आपको? कैपुचिनो। अच्छा एक मिनट, अभी मंगाती हूँ। थैंक यू सो मच। चेक लगा आप लोग पूछेंगे। 2 मिनट में। And I'm really sorry यार। हेलो, लक्ष्मी टी स्टॉल वाले भैया। हाँ सुनो, किससे कैपुचिनो लिया उसमें कॉफी डाल के? हाँ, कैपुचिनो ना? नहीं, एक्चुअली मैं पानी पी लूँगा। अच्छा पानी भी साथ ले आना। हाँ जल्दी, हाँ जल्दी। अरे लिख लो, नोट कर लो, बाद में दे दूंगी ना। बॉटल में मंगा ना, मग्गे में नहीं। दिए थे ना 20 रुपए पिछली बार, दिए थे ना, बाकी का नोट कर लो। आ रहा है। थैंक यू। पता दी, और बताइए, इंग्लिश में नहीं? भाई ये गाना तो मुझे थोड़ा एक्स रेटेड लगा। पता दी, सब कुछ तो इतना साफ सुथरा है, एक्स रेटेड कहाँ से आ गया? अरे वो वाला एक्स नहीं बेटा, ई एक्स वाला एक्स। हाँ देखो, रणबीर और दीपिका, एक सुर है और एक ताल, दोनों एक्स, यानी कि पुराने सुर और पुराने ताल का फिर से मिलन। वो पता दी, आप इस गाने को कितने सारेगामापा देंगी? भाई आज कुणाल बेटा आया है तो एक सुर तो ऐसे भी देना पड़ेगा ना, तो सा कुणाल को, रे रणबीर को, और का दीपिका को। अच्छा अब चलती हूँ बेटा, वो नेट प्रैक्टिस भी करनी है ना घर जाके। बता दिया, आप क्रिकेट भी खेलती हैं? अरे नहीं पगले, वो वाली नहीं, नेट इंटरनेट सीख रही हूँ ना आजकल, वो वाली। और हाँ कुणाल बेटा, घर जरूर आना। हाँ जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा कविन बेटा, तू भी आना पैर दबाने। आप बोलो, कभी भी? नहीं अभी आना, दर्द हो रहा है अभी। हाँ जाओ जाओ। हाँ हाँ बाहर आ जाना, मैं बाहर ही जा रही हूँ, वहीं दबा देना। चल जाओ जल्दी। पता नहीं लेकिन अभी ये मसाज भी करता है? जाना पड़ता है ना उसको, बुलाया तो। ये लो आ गया। थैंक यू। कैपुचिनो। ये कब आने वाला है? अरे छोड़ो उसको, उसकी क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। मेरे से बातें करो आप। ओके। कुछ खेले है? एक मिनट, टोकरी लेके आई हूँ मैं। हाँ टोकरी, ये देखिए, ये ना तंगना जी के पास सेम ऐसी, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ तो मैंने भी सेम ले आई हूँ। हाँ बहुत ही मुश्किल गेम है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बड़ी मजेदार है। हाँ। आपको बस गेस करना है ये कि इसके अंदर क्या है। नहीं खोले बिना? कुछ भी मतलब हो सकता है कि पिकनिक बास्केट हो, फ्रूट्स हो, बॉटल ऑफ वाइन, ग्लासेस। एक 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 बोल। फल होंगे कुछ, फ्रूट्स। इतनी जोर से ट्राई मैं भी कर गई। क्या है ये, पता क्या है? फिल्म में देखते हैं आप? हाँ। कैसे बात करें, वो नहीं याद नहीं आपको, बचपन में आगे वाली फिल्म? ये देखिए वो है, ये नगीना आपके लिए। जी जी जी, थैंक यू। ये आपने कहाँ से लाया? दूसरा। अच्छा और है? हाँ हाँ। सांप निवला होगा बंदर? नहीं। मेरी गाड़ी की चाबी, ताकि मैं जाऊँ। आपने बोले गाड़ी की चाबी, देखते हैं देखते हैं। और ये है टेंटेड। कविन तो है नहीं। आपके लिए गिफ्ट। मेरे लिए? हाँ। मैं क्या करूँगा इसको? अरे बेटे तभी नहीं जानते।
अब शादी कर ली है तो फिर बेबी तो होगा ना। कुछ जाने पहचाने से लग रहा है ना? ना कुछ ना। सुन के मम्मी की याद नहीं आ रही? नहीं। सासू माँ की? शायद। अमित माँ की भाले बैशी। अब तो हम सीधा जाएंगे काशी। और हम मिलते थोड़े से ब्रेक के बाद और कुणाल जी इसी तरह से हमारे साथ रहेंगे और मीठी मीठी बातें करते रहेंगे। और बताइए सांप अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ऐसे ढूंढ के लाओ, कितने क्यूट लग रहे हो। कल्याण हो, कल्याण हो। नहीं नहीं, कल्याण क्या क्या डोंबी वाली है? वेलकम बैक एक बार फिर से टू आवर शो फन टनाटन। गन गन। और हमारे साथ हैं पता दीदी के पैर दबाते दबाते मेरे हाथ दुखने लगे और तू हाथ पे मार रही है। अरे लेकिन कुणाल जी कहाँ हैं? कुछ पकड़ रखा हमको। कुणाल जी? कुणाल जी? कुणाल जी? ऊपर क्या देख रहे हो? ऊपर लटक रहे होंगे क्या? एक्सेस करते करते जा ही सकते हैं मतलब? तपिश, एक सेलिब्रिटी को नहीं संभाल सकती तू। मैं नहीं संभाल सकती? और किसे संभालो? गोद में लेके बैठ जाओ क्या? सारे स्टार्स को ऐसे भगा दे तू। अरे वो स्टार चले गए तो क्या हो गया? बाकी स्टार का भाग जान लेते हैं। मतलब हमारे चावली बाजार वाले, हमारे घर के इन हाउस जो भी है। जो भी है नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ डिक्शनरी लेके बैठना, मतलब शब्दकोश। पंडित यूनिवर्स। मैं हूं बॉलीवुड का एस्ट्रोलॉजर पंडित यूनिवर्स। जो देखे तारों की चाल, सितारों का कर दे बुरा हाल, मैं हूँ सबसे डाइवर्स, मेरा नाम है पंडित यूनिवर्स। पंडित जी, आपको कुणाल खेमू का भविष्य कैसा लग रहा है? कुणाल के भविष्य में मैटर हो गया है। कुणाल जो भी फिल्म साइन करता है उसमें उसकी गलती नहीं बल्कि वो फिल्म के राइटर्स की गलती होती है। कुणाल बच्चा, तेरे लिए उपाय है, आइंदा फिल्म साइन करने से पहले वो फिल्म के राइटर का दिमाग टटोल लेना, कृपा हो जाएगी। कल्याण हो, कल्याण हो। नहीं नहीं, कल्याण क्या क्या डोंबी वाली है? हैं? पंडित जी, आप अगर लगता है कि ऐश्वर्या का एक्टिंग कैरियर कहाँ जाएगा? ऐश्वर्या, तुझे उपाय बता रहा हूँ, तुझे अपने सारे चक्रों पे ध्यान लगाना होगा और शनिवार को सीधी पूछ वाले कुत्ते को रोटी खिलानी होगी, कृपा हो जाएगी। लेकिन पंडित जी, वो पूछ वाला जो कुत्ता होगा उसकी पूछ कौन होनी चाहिए? मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? और रोटी जो खिलाएगी वो किसकी होनी चाहिए? मैदे की, गेहूं की, ज्वार की या फिर मिक्स ग्रेन की? एक मल्टीग्रेन भी आता है ना। बालिके, पंडित यूनिवर्स को मजाक कदापि पसंद नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए साजिद खान की फिल्म कब हिट होगी ये बता दीजिए। हाँ, इसको काम मिलने वाला ना उसमें। ये कैसा प्रश्न पूछ लिया तुमने? आइंदा से ऐसे अनुचित प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। बोलता रहा, तू बोलता रहा, 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 बोल, बोलता रहा, रहा, बोल। तो अब चलते हैं ब्यूटी और सुंदरता के टिप्स जानने शैली आंटी से। ब्यूटी और हेल्थ टिप्स की क्वीन, हर जगह सिर्फ मैं हूँ सीन, मुझसे लोग होते हैं हमेशा नॉटी, क्योंकि मैं हूँ शैली आंटी। ओह, वी हैव अ क्वेश्चन। राहुल, हाय शैली आंटी, मुझे अपना वजन दंगल फिल्म के आमिर खान की तरह बढ़ाना है, प्लीज हेल्प। इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैंने एक बॉडी सूट तैयार किया है जिसमें 751 पॉकेट्स हैं। सुबह 6 बजे उठकर बीच जाकर एक बोरी में रेत भराइए और घर आकर सारे पॉकेट्स में रेत भर लीजिए। आपका बॉडी सूट तैयार और आपकी बॉडी दंगल जैसी बन जाएगी। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय, दिस इज मोहिनी, मुझे ऐश्वर्या की दूध जैसी त्वचा चाहिए। मोहिनी, ओके, इट्स सिंपल, मेरे पास एक चूनो सॉल्यूशन है, इसके अंदर चूना कूट कूट के भरा हुआ है, इसे आप अपने हाथ पे लीजिए और थोबरे पे मलिए और फिर इस्त्री लेके उसे आयन कीजिए और 3 दिन में आपकी त्वचा
दूध जैसी मुलायम और चौक जैसी सफेद हो जाएगी। इफ यू हैव अ क्वेश्चन और इफ यू वॉन्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन प्लीज लॉग ऑन टू www.shellythebeauty.com। हाय हाय, एक तो शैली आंटी की पूरी हॉटनेस और सेक्सीनेस देखते कि मेरा सर फटा जा रहा है यार। क्या? तुम्हें क्या हुआ? यार तेरा अगर सर फट गया तो तेरे भेजे के इंटेलिजेंट जीव जंतु मेरे अंदर घुस जाएंगे और फिर मैं भी तेरे जैसा हो जाऊंगा। कमिंग द वे, बाय द वे, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। तू तो बुरी है ही नहीं, बस है ना तेरा वायरिंग में प्रॉब्लम है। अभी मुकेश इलेक्ट्रिशियन को फोन करती हूँ। बहुत अच्छा है, पता है, सस्ते में काम कर देता है। हमारे घर के सारे वायरिंग कनेक्शन वो ही ठीक करता है। रात को 12 बजे भी फोन करो आ जाता है। हमारे गांव का है ना, मेरी दूर की मासी की बुआ का जान पहचान वाला है वो। हेलो, हम दिख रहे हैं। गुड्डू, 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 बहुत अच्छी लग रही है आप। गुड्डू वो वहीं पे है, उन्हें सुनाई देगा, माइक है ना छोटा सा। बहुत अच्छी लग रही है। By God, आपको देख के हम बताएं, हम भोलेनाथ जी के बहुत बड़े फैन हैं। आपको देखो जैसे साक्षात नंदी जी याद आ गए। फिल्म के बारे में बता रहे हैं। कौन सा? पंचनामा। कौन मर गया कोई? नहीं, 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 नहीं। पुलिस आएगी? पुलिस नहीं आएगी। गुड्डू भैया आप बैठे यहाँ पे।